यही है क्या टेस्ला? हैक्टा के पूरी स्क्वाड है भाई, स्क्वाड को अकेला मारूंगा मैं, रुक जा। ऊपर पीछे का कवर देता है वो प्लस। और जो सुनो ने बोला पूरा स्पॉट मारूंगा मैं, फिर नहीं मारूंगा। पार्टी स्पॉट मारे स्पॉट। घातक भाई तुम्हारा ऑल पे है क्या? हां हां मेरा ऑल पे था। भाई मैंने गाली तो नहीं दी थी ना, मैंने इज्जत से बोला था भाई पूरी स्क्वाड को मारूंगा। पहचान कर मेरे को चैलेंज देता है कि मैं तेरे को मारूंगा, देख लियो ये वो ब्लांड हिंगान। लेकिन हाँ भाई बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई बंदा गाली देकर चैलेंज करे, और यहाँ पे यार अलग ही सीन। मतलब घातक ने सिर्फ इतना बोला कि मैं पूरी स्क्वाड मारूंगा तुम्हारी अकेले अकेले, और उसने मतलब सैवेज तरीके से बोला था मजाक में। लेकिन भाई साहब सामने वाले बंदों की इतनी गंदी किल सी कि वो लोग तो गाली गलौज बता रहा है। फिलहाल गाइस इज्जत का सवाल था भाई साहब, बिकॉज यार गाली का जवाब हम गाली से नहीं स्क्वाड वाइप करके देंगे। अब फिलहाल उस सबसे पहले बात करें अभी की, तो भी हमारी लैंडिंग बहुत ज्यादा खराब हुई है, बिकॉज गन के नाम पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। और लो भाई जिससे नहीं मरना था भाई उसी से मर गए, एक्सा शुभम वाईटी, मतलब ये उसी की स्क्वाड के बंदे थे। अब फिलहाल गाइस वहां वहां तो हमें चलो ऊपर जीवन दान मिल जाता है, बिकॉज यार वहां मरने के बाद एक बार नीचे हम कूद सकते हैं। तो बस गाइस हम बस उसी चीज का वेट कर रहे थे कि नीचे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तब देख लेंगे। और इतने में गाइस हमारे टीममेट का कॉल आता है कि उसकी तरफ बंदे हैं। अब वो बेसिकली यासनाए में उतर गया, तो भैया जल्दी से हम लोग लूट वूट बिना करे ही चल पड़ते हैं उसी की तरफ। और लकीली तुम यकीन मानो ये सामने वाली स्क्वाड है ना, ये वही स्क्वाड है। मोई मार रहा है, एक सारे भागने का बटन नहीं गया। जंप कर गया वो मेरे लिए, आएगा नहीं लेकिन वो। हेलो भाई साहब शुरुआत तो हो चुकी है, उसके एक प्ले को मैंने पूरा नॉक करके फिनिश ही कर दिया, और बचे कुछ बंदे जस्ट आ गई है, और जो कि आग बबूले हो चुके हैं और हार हमसे बदला लेने के लिए। मार किया ना मैंने अभी। हाँ एक बंदा पीछे भाग रहा है, वॉच आउट, पीछे भाग रहा है, इधर के भी पीछे भाग गया, एकदम पीछे की तरफ भाग रहा है भाई। मेरे पास बंदा और भाई बेसिक में आप अपने घुटनों पे गिरा हुआ हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमने मिलके जो है ये वाली स्क्वाड को मार दिया। वो डांस तो बनता है यार, यही तो क्या सवाल भाई, चारों मरेंगे। अरे मैंने मारा है बस को तो शी भाई शी। हेलो भाई साहब घातक की तो मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं, और भाई साहब उसने उतरते सबसे पहले उसी स्क्वाड को वाइप करा है उसने की भैया गाली क्लोज करा था। जो भी गाइस यहाँ पे ये वाली स्क्वाड को भर के भैया हम भी निकल लेते वापस और बंदों को खोजने के लिए। और अब जो है थोड़ी देर में दिमाग का दही होने वाला है, लेकिन उस सबसे पहले बात करें अभी की, तो यहाँ मुझे पीछे तरफ एक गाड़ी के साउंड आते हैं। यार ये वाली स्क्वाड को तो कहते इजी तरीके से वाइप कर दिया, लेकिन सेम टाइम में मुझे हल्के हल्के फुट साउंड आया कि कोई बंदा इसी गड्ढे में है। अबे यार इस गिरिज का कुछ मार दे वहां पे। हेलो भाई साहब ये भी देखो जो नॉक ही हुआ है, अब इसकी किस्मत के बारे में क्या बोलूं, मतलब इसे तो देखो फुल वाइप कर दिया है, लेकिन यहाँ इसके जो टीममेट है ना वो आग बबूले होने वाले हैं। और जहां हम यहाँ पे तसल्ली से लूट रहे होते हैं भैया, इतने में मारू पर होने वाला धप्पा। और लो भाई साहब हमारे एक टीममेट को पूरा ही कंफर्म कर दिया। अब ये बंदा कहाँ है मुझे अब तक तो नहीं पता, लेकिन सेम टाइम पे देखो सामने बनने वाली है शील्ड लेक, और वो देखो एक बंदा उसका ऊपर से उतर रहा है। बड़ा हरामी बंदा है। अब लो भाई साहब दो बंदे तो स्पॉटेड और लगे यार, तीसरा पर्सन दिख गया मेरे को।
और इन तीन बंदों को देखकर हम इतना तो समझ गए ये उसी स्क्वाड के बंदे हैं जिस बंदे को हमने अभी जस्ट भरा है। फिलहाल यहाँ ओपन में रहना खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है, बिकॉज थर्ड पार्टी कभी भी हो सकती है। तो मैंने घातक से कहा तू एक काम कर, तू राइट इधर रोटेशन ले जा। और लो भाई मैंने लेफ्ट वाले बंदे को तो नॉक कर दिया, लेकिन हल्का सा मैं वेट करता हूँ बिकॉज घातक अभी रोटेशन ले रहा है। और एक बंदा देखो दूर वादियों में और एक जस्ट पेड़ के सामने ही। कहाँ से दिया है भाई? यहाँ पे दो बंदे एक साथ नॉक हुए, एक मेरी स्क्वाड का एक सामने वाली स्क्वाड का। और सही है यार, मेरे बंदे को भी पूरा कंफर्म कर दिया गया। अब यार खाया तो ये भी काफी सही है। और देखो यार वो लास्ट बंदा बचा है तो जल्दी से उस पर रश कर देते हैं, क्योंकि अगर उसने अपनी टीम को रिवाइव दे दिया तो दिक्कत हो सकती है। रश करने में आ तो गए जूस में, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ने वाली है। जो घातक है ना भैया, इसका नेट इतना गंदा आने वाला है ना, और इसके पिंग देखो मतलब इतने खतरनाक अब चलने वाले हैं, बस तुम देखते जाओ। और इसी के चलते एंड में एक दिक्कत भी होगी, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ की दिक्कतें देखो। भाई सही मैं इसकी पिंग के मैं क्या ही बात करूं, लेकिन भाई जो भी है अभी के लिए मैंने इसे बाहर तो रिवाइव बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि पता चला कोई आसपास से रोटेशन ले रहा है और वो हमें भरते क्या। जब गाइस यहां पे जैसे रिवाइव उसके बाद चल पड़े हम जोन की तरफ, बिकॉज़ आउट ऑफ जोन तो थे ही, और मैं जोन के बाहर बिल्कुल कहीं रुका ही नहीं बल्कि चलाया यहाँ की तरफ। और देखो भाई साहब यहाँ राइट साइड अपार्टमेंट की तरफ से ढेर सारे फायरिंग साउंड आ रहे हैं, लेकिन मैं रश कैसे करूं, मतलब मैं अकेला ही हूं। अब यार मैं खाते से बोलता हूँ भाई जल्दी से कोई जुगाड़ देख यार। ओ भाई कहाँ पे लेट गए ऊपर में आके? लेकिन भाई तुम इसकी हरकतें देखो, मतलब यार पिंग ठीक नहीं है, लेकिन तब भी बंदे को चैन नहीं है, कसम से इधर से उधर घूमे जा रहा ऊपर में। खैर जब गाइस इसकी हरकतें चलती रहेंगी, लेकिन सेम टाइम पे जैसे मैं निकलने की कोशिश करता हूँ तभी मुझे ऊपर की तरफ ये गाड़ी दिखाई दी और लग गया एक बंदा भी। अब यार मैंने एक बंदा तो नॉक कर दिया और दूसरा बंदा जो इसका भग रहा है वहां से, तो मुझे लगा नहीं कि उसे रिवाइव मिल पाएगा। तो भैया मैं भी जो है ऐसे छोड़ के उसकी हालत में भैया चल पड़ता हूँ जोन की तरफ। भाई सही भाई यार यहाँ तो ऑलरेडी भसड़ मची पड़ी है गंदी वाली। भाई सिर्फ ये क्या दो किलोटो करेक्ट जाते हैं तो कसम से ये गिल जो मेरे खाते में आ जाता है। बट फिलहाल गाइस यहाँ पे उस बंदे को रखो साइड में, बिकॉज जहाँ मुझे स्पॉट कर रहे होते हैं ना भैया, इतने में देखो ये आए मेरे को इस तरफ से कुछ फुट साउंड हो, और भाई साहब यहाँ आ चुकी एक पूरी पूरी स्क्वाड। अब यार मैंने सामने तक तो बंदा तो लॉक कर दिया, लेकिन मेरे पास कोई ग्रेनेड वगैरह नहीं है, मतलब जस्ट मॉली है। तो मैं जो घातक से बोलता हूँ कि भाई अगर तेरे पास कोई ग्रेनेड है तो मेरे को अगर दे सकता है तो दे दे प्लीज। और तुम देखो यहाँ पे ये क्या ही उल्टा सुनने वाला है। भाई सही में मतलब यार मैं क्या ही बोलू कसम से, मतलब इसने हद कर दी यार। मैं मांग रहा हूँ ग्रेनेड, थोड़ा इग्नोर करो, मैंने बस इससे अब इतना बोल दिया कि भाई देख तू कुछ भी मत कर, बस जस्ट मेरे पीछे पीछे रही हो और कोई तुमको काम करने की आवश्यकता नहीं है। और अब तुम बस ये देखो सामने वाले बंदे भाई कितने ही ग्रेनेड लेके बैठे पड़े हैं, मतलब फेंके ही जा रहे हैं, ग्रेनेड खत्म होने का नाम ही ले रहे हैं। बढ़िया, इस बार मैंने इस वाले बंदे को पकड़ लिया। और भाई साहब मैं जो उस पर डायरेक्ट कर देता रहा, मैंने कहा भैया नहीं अब इन्हें मौका बिल्कुल नहीं देना। और गाइस स्क्वाड तो वाइप कर दी, लेकिन इसकी ये हरकतें भाई मैं क्या ही बोलूं। मतलब यार मेरा दिमाग खराब हो रहा था। और खैर इसी दौरान
हम हल्का सा जो आउट ऑफ जोन भी थे, मैंने यहाँ पे जो अपने टीममेट को कॉल दिया कि देखो टोटल तीन बंदे बचे हैं और एक बंदा जो गाता बोलता है राइट में है, तो भी अब मैं गाता कॉल देता हूँ, देखो मैं गाड़ी लेके जाऊंगा और तुम कोशिश करना उस बंदे को डाउन करने की। लेकिन भाई अबे एक बंदा तो मैंने नॉक कर दिया और एक घातक ने भी नॉक कर दिया, लेकिन भाई यार इसके पिंग खराब है और मैं इसे बोलता हूँ देखो एक बंदा सामने ही बैठा है तो उस पर रश कर दे, लेकिन बेचारा क्या करे यार जोन के बाहर रह जाता है और उस पर रश कर ही नहीं पाता है। यार पिंग खराब के चक्कर में भाई सही में यार ये गेम कैसी तैसी हो गई सही में। जो भी गाइस तुम्हें ऐसा गेम लगा कैसा और उस वाले स्क्वाड को उतरते वाइप करा मतलब यार खतरनाक तरीके से, वो तुम्हें कैसा लगा वो भी जरूर बताना कमेंट करें। बाकी चलता हूँ फिर से।